हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके साथ विंटर स्पेशल तिल गुड़ की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बर्फ़ी आयरन और कैल्शियम का रिच सोर्स है और इस बर्फ़ी का सबसे बेस्ट पार्ट ये है, आप इसे एक बार बनाकर महीनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। चलिए तो बिना देर किए हेल्दी और मुँह में मक्खन की तरह से घुल जाने वाली विंटर स्पेशल बर्फ़ी की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 250 ग्राम सफ़ेद तिल। मैंने बर्फ़ी बनाने के लिए तिल को वेट में मेज़र करके लिया है। आप चाहें तो तिल को घर पर अवेलेबल किसी बॉल से भी मेज़र करके ले सकते हैं। जिस क्वांटिटी में हमने तिल लिए हैं ठीक इसी क्वांटिटी में हमें यहाँ पर गुड़ लेना है। तो 250 ग्राम तिल से बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम ही गुड़ लिया है। मार्केट में जो गुड़ आता है वो काफ़ी बड़े बड़े पीसेस में आता है। अब बर्फ़ी बनाने के लिए हमें गुड़ को मेल्ट करना होता है और ये गुड़ के टुकड़े बहुत ज़्यादा बड़े हैं। बड़े टुकड़ों को पूरी तरह से मेल्ट होने में काफ़ी समय लग जाता है और धीरे धीरे गुड़ का जो मॉइस्चर होता है वो रिड्यूस होने लगता है, इससे बर्फ़ी सख्त हो जाती है। इसीलिए हम इस गुड़ को ग्रेट करेंगे। इसके लिए आप छोटा या बड़ा कोई भी ग्रेटर ले लें और उससे गुड़ को इस तरह से ग्रेट कर लें। पूरे गुड़ को मैंने ग्रेट कर लिया है। यदि आप चाहें तो गुड़ और तिल को इस तरह से भी मेज़र कर सकते हैं। जैसे आपने एक बॉल यदि तिल लिए हैं तो एक बॉल ही आप ग्रेटेड गुड़ ले सकते हैं। इस बर्फ़ी को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर ले ली है एक थाली। इसे हम घी से ग्रीस करके रखेंगे। थाली को ग्रीस करने के बाद अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब तिल को रोस्ट करने के लिए मैंने एक पैन को गैस पर गर्म करने के लिए रख दिया है। पैन अभी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे तिल। तिल को रोस्ट करते समय इसमें घी या ऑयल कुछ भी यूज़ नहीं करना है। तिल को रोस्ट करते समय गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखना है। तिल बहुत ही जल्दी जलने लगते हैं, इसीलिए यहाँ पर गैस की फ्लेम को बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। इस बर्फ़ी को बनाने के लिए आप ज़्यादा लंबे समय से रखे हुए तिल का यूज़ मत करना, क्योंकि जो तिल काफ़ी टाइम तक रखे रहते हैं वो टेस्ट में थोड़े से कड़वे हो जाते हैं। तिल को रोस्ट करते समय इनको सभी तरफ से इस तरह से उलटते पुलटते रहें ताकि सभी तिल अच्छी तरह से रोस्ट हो सकें। फ्रेंड्स, सफ़ेद तिल इसलिए हेल्दी होते हैं क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को अंदर से मजबूत बनाए रखते हैं। तिल में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होने के कारण स्किन भी हेल्दी रहती है। तिल में विटामिन ई भी पाया जाता है जिससे कि स्किन में ग्लो आता है। तिल खाने से तनाव और डिप्रेशन भी दूर होता है। तिल खाने से बीपी और बैड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है। तिल को रोस्ट करते हुए अभी करीब 2 मिनट हो चुके हैं और अब इनका कलर हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन होने लगा है। अभी तिल थोड़े से चटकने भी लगे हैं और तिल के रोस्ट हो जाने के बाद तिल की साइन पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। तिल को रोस्ट करने के तुरंत बाद इसे ठंडा करने के लिए प्लेट में ट्रांसफ़र कर देना है। तिल को रोस्ट करते हुए पैन काफ़ी गर्म हो जाता है, इसीलिए यदि तिल को रोस्ट करने के बाद पैन में ही छोड़ दिया जाएगा तो तिल ज़्यादा रोस्ट हो जाएंगे जिससे कि तिल का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो तिल को अभी हम थोड़ी देर तक ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम इनको दरदरा ग्राइंड करेंगे। तिल को ग्राइंड करते समय मिक्सी को आपको लगातार नहीं चलाना है, इनको हमें दरदरा ही ग्राइंड करना है। इसीलिए मिक्सी को एक बार में केवल कुछ सेकेंड ही चलाना है। तिल में ऑयल होता है, इसीलिए यदि आप लगातार तिल को ग्राइंड करते रहेंगे तो ये अपने ऑयल को रिलीज़ कर देंगे। इससे तिल का एक पेस्ट जैसा बन जाएगा। हमें यहाँ पर तिल का पेस्ट नहीं बनाना है, इनको हमें दरदरा और भुरभुरा सा ही रखना है। तिल को मैंने दरदरा ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए, तिल को हमें इसी तरह से ग्राइंड करना है, इसे हमें बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है। तिल गुड़ की इस बर्फ़ी को बनाते समय आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन तिल अपने आप में बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। यदि आप इस बर्फ़ी में मावा जैसा टेस्ट लाना चाहते हैं तो यहाँ पर आधा कप मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं। बर्फ़ी बनाने के लिए सेम पैन को मैंने फिर से गैस पर रख दिया है। अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी ऐड करूँगी। देसी घी ऐड करने से भी ये बर्फ़ी टेस्टी और सॉफ्ट बनती है और देसी घी का जो फैट होता है वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। यहाँ पर आप ऑयल या फिर बटर यूज़ मत करना। घी के पूरी तरह से मेल्ट हो जाने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर। फ्रेंड्स, हल्दी सिर्फ एक मसाला नहीं है बल्कि इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसमें विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन A, विटामिन Z, पोटेशियम, आयरन, जिंक और कैल्शियम भी होता है।
एक बड़ा चम्मच ही मैं यहाँ पर ऐड करूँगी सौंठ पाउडर, जिसे कि ड्राई जिंजर पाउडर भी कहा जाता है। सौंठ से विंटर सीजन में सर्दी जुकाम में आराम मिलता है। सौंठ एक नेचुरल पेन किलर का काम भी करती है, इसीलिए विंटर सीजन में होने वाले जोड़ों के दर्द में भी सौंठ से आराम मिलता है और इससे डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहता है। फ्रेंड्स, विंटर सीजन के लिए हल्दी पाउडर और सौंठ पाउडर, ये दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। हल्दी पाउडर और सौंठ पाउडर को लो फ्लेम पर कुछ सेकेंड के लिए हम घी में फ्राई करेंगे। करीब 10 से 12 सेकेंड तक मसालों को फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी करीब 2 बड़े चम्मच पानी। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेट किया हुआ गुड़। अब यहाँ पर पानी की क्वांटिटी गुड़ की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। कई बार गुड़ बहुत ज़्यादा सख्त होता है, ऐसे में आप यहाँ पर 3 से 4 चम्मच तक पानी डाल सकते हैं। यदि गुड़ ज़्यादा सॉफ्ट है तो यहाँ पर आप सिर्फ 2 चम्मच ही पानी डालें। पानी हमें यहाँ पर सिर्फ इसलिए डालना है ताकि गुड़ का जो अपना मॉइस्चर है वो रिड्यूस ना हो और हमारी तिल गुड़ की बर्फी बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हो। गुड़ को मेल्ट करते समय गैस की फ्लेम लो मीडियम रखनी है। गुड़ को जल्दी मेल्ट करने के लिए यहाँ पर गैस की फ्लेम को हाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तेज़ फ्लेम पर गुड़ का अपना मॉइस्चर जल्दी से रिड्यूस होने लगता है और फिर बर्फी सख्त बनती है। गुड़ अभी पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें इस गुड़ को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। गुड़ के पूरी तरह से मेल्ट हो जाने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पर सिर्फ 2 से 3 मिनट ही पकाना है। यहाँ पर हमें कोई तार वगैरह बिल्कुल चेक नहीं करना है। जैसे ही गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए आप गैस की फ्लेम मीडियम कर दें और जब इसमें खूब सारे बबल्स आने लगें तो आप समझ लें कि बस इस स्टेज पर हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। करीब 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि गुड़ में इस तरह के बबल्स बनने लगे हैं, तब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद ही इसमें तिल ऐड करने हैं। अब तिल को गुड़ की चाशनी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तिल और चाशनी दोनों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसे तुरंत ही हम प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। तिल गुड़ के इस मिक्सर को पूरी थाली में इवनली स्प्रेड कर देना है। अब मैं इस पर थोड़ा सा क्रस्ट पिस्ता स्प्रिंकल कर रही हूँ। पिस्ता को हल्का सा प्रेस कर देना है ताकि ये बर्फ़ी के साथ अच्छी तरह से सेट हो सके। 10 मिनट में बर्फ़ी सेट हो जाती है। इसके बाद आप बर्फ़ी को अपनी पसंद के पीसेस में कट कर सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट में ही बटर की तरह मुँह में घुल जाने वाली तिल गुड़ की बर्फ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। विंटर सीजन में खाना खाने के बाद सभी को मीठा खाना अच्छा लगता है, तो विंटर सीजन के लिए तिल गुड़ की ये बर्फ़ी बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि आप इसे एक बार में ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर पूरे विंटर सीजन के लिए स्टोर कर सकते हैं। आयरन और कैल्शियम रिच गुड़ तिल की इस बर्फ़ी की रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। गुड बाय।